क्योंकि इस चैप्टर का जो हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट बजट, उसका बेसिक हमने पिछली वाली वीडियो में देखा, उसका बेसिक पिछली वाली वीडियो में देखा, उससे पहले ही बनी 69 70 71 71। देखिए तो हमने ये पढ़ चुके हैं हम कि गवर्नमेंट बजट में क्या क्या होता है, गवर्नमेंट बजट कैसे बनता है, गवर्नमेंट बजट में कैसे रिसिप्ट आती है, कैसे एक्सपेंडिचर होता है और रिसिप्ट में क्या क्या आता है। तो पिछली वाली वीडियो का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ठीक है। तो उस वीडियो को एक बार देखो ताकि क्या हो, तुम्हारा माइंड वर्किंग में आ जाए, एक बार आ जाएगा ना तो सब समझ में आने लगता है, नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से चार नंबर का न्यूमेरिकल आता है जो बिल्कुल ईजी है, कहते ना बच्चा भी कर सकता है, दो चीजों को प्लस करना है, तीसरी को माइनस करना है, खत्म, पक्की यही बात, चार नंबर जेब के अंदर। बट उसके लिए पिछले वाली वीडियो देखो, देन इस वीडियो पे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। हमारे बजट कितने तरीके के होते हैं, बजट तो एक ही है पर उसका जो आउटपुट आता है वो तीन तरीके का होता है। देखें फर्स्ट वन बैलेंस बजट, पहला कौन सा है बैलेंस बजट। बैलेंस का मतलब सब बराबर, सीधी सी बात, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू रिसीव, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। व्हाट इज बैलेंस बजट, अ बजट इन विच एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल टू रिसीव, बजट में रिसीव बराबर है। अगर एक लाख रुपए खर्च हुए तो एक लाख रुपए कमा लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, बैलेंस बजट। नेक्स्ट देखो सरप्लस बजट, सरप्लस, सरप्लस का मतलब प्रॉफिट, एक ऐसा बजट जिसमें हमें प्रॉफिट ज्यादा हुआ, यानी कि रिसिप्ट ज्यादा हुई है और एक्सपेंडिचर कम हुआ, रिसिप्ट ज्यादा हुई है और एक्सपेंडिचर कम हुआ। नेक्स्ट डेफिसिट बजट, व्हाट इज डेफिसिट बजट, आखिरी बच गया कि खर्चा ज्यादा हो गया और कमाई कम, खर्चा ज्यादा हो गया और कमाई कम हुई, यानी एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट, दैट इज डेफिसिट बजट। सिंपल, तीन तरीके टाइप के बजट थे, तीनों बढ़े। अब प्रॉब्लम है क्या, इसमें से कुछ आता भी नहीं, जो आता है वो हम अब पढ़े। क्या है हमारा टॉपिक समझना ध्यान से, अब जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली बात क्या है कि हमारा जो बजट आता है वो हमेशा बैलेंस आता है। बैलेंस का मतलब अगर उसको ऊपर नीचे हो रहा है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी और उसको बैलेंस कर देगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिसिप्ट का मतलब हमें मिल रहा है 80 रुपए और हमारे पास एक्सपेंडिचर हो रहा है 100 रुपए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी 20 रुपए का क्या ले लेगी लोन, 100-100 बराबर हो गए, पर वो दिखाएगी कि 20 रुपए का हमने क्या लिया है लोन। क्यों लेना पड़ा ये लोन, लोन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमारी प्रॉब्लम आ गई, पैसे आए नहीं, खर्चा ज्यादा हो गया तो 20 का लोन हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे बजट में डेफिसिट कितने तरीके का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बजट में डेफिसिट कैसे होते हैं और उसको कैसे क्लैरिफाई किया जाता है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखो हम देखते हैं सबसे पहले कि गवर्नमेंट बजट में क्या क्या आता है, मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। ये हमारा गवर्नमेंट बजट, इसमें आता हमें रिसिप्ट होगी या फिर एक्सपेंडिचर होगा। रिसिप्ट दो तरीके से होती है, रेवेन्यू या कैपिटल। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब वो रिसिप्ट जो डे टू डे एक्टिविटीज में होगी, जैसे टैक्स लेना, फीस लेना, फाइन लेना। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब जो कभी कभी करते हैं, जैसे किसी से लोन ले लिया पैसे आ गए, ठीक है, किसी ने हमें पुराना लोन चुका दिया पैसे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर, ये भी दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू या कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जो रोज के तरीके में हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कभी कभी होता है, जैसे रोड बनाना, डैम बनाना और बहुत सारी चीजें बनाना, वो क्या हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, अब हम बात करते हैं बजट के डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब ही बता लिया कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया रिसिप्ट से, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया रिसिप्ट से। तो बजट एक्सपेंडिचर या बजट डेफिसिट तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से, पहला रेवेन्यू डेफिसिट, पहला डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड फिस्कल डेफिसिट एंड थर्ड प्राइमरी डेफिसिट। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड फिस्कल डेफिसिट और थर्ड प्राइमरी डेफिसिट, तीनों को एक एक करके उठाते हैं, ठीक है। तो पहला अपन देखते हैं टॉपिक रेवेन्यू डेफिसिट। देख क्या होता है
पहले डेफिसिट का मतलब ध्यान समझें। डेफिसिट का मतलब हमें नुकसान हो रहा है, कहां पे? रेवेन्यू में। नुकसान कहां हो रहा है? रेवेन्यू में, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। इसका मतलब देखो, हम ये अपना लेते हैं, ये अपना लेते हैं, चालू चीजें आपको 100 80 100 80 कितना हुआ यहां पे? एक्सपेंडिचर कितना हो गया? रेवेन्यू की बात कर रहा हूं मैं, टोटल एक्सपेंडिचर बात नहीं करता। हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि गवर्नमेंट बजट हमेशा बैलेंस दिखाते हैं, बस उसमें बता देते कि इतना हमें मजबूरन करना पड़ा, तो हम ये बनाए चलते थे। कैपिटल से भी मान लो 100 हुई, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया टोटल? 200। तो हमें यहां भी कितना करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? 200। ये अपना बजट मान लेते हैं, ये अपना बजट है, ये 200, ये 200 बराबर आ गया। बट इस बैलेंस बजट में भी क्या आ रहा है? रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है। रेवेन्यू का मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में हमें नुकसान हो रहा है, डे टू डे एक्टिविटीज में हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है और रिसिप्ट कम हो रही है। यानी हम सैलरी ज्यादा दे रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, और जो हमें रिटर्न मिल रहा है, जो फीस मिल रही है, जो टैक्स मिल रहे हैं, वो क्या है? बहुत कम है। टेक ऑफ चांस, यहां रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। खर्चा कितना हुआ? रेवेन्यू का 100, रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है? 80। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ गया अपना? 20। रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ गया? 20। समझ में आया 20 का मतलब कि हमें डे टू डे एक्टिविटीज में 20 का नुकसान। अब ये तो हुआ रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है और इसका फॉर्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ये बात करते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से क्या क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या क्या होगा। देखो इस 20 का नुकसान समझना बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पहली चीज तो हमें साफ दिख रही है क्या, कि हमारी डे टू डे एक्टिविटी में खर्चा ज्यादा हो रहा है और रिसिप्ट कम हो रही है। तो पहला इंप्लीकेशन क्या आया? फर्स्ट इंप्लीकेशन इज दिस कि गवर्नमेंट अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के खर्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रही या उसको रिसिप्ट कम मिल रही। नेक्स्ट देखो क्या होगा, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट बजट क्या होगा? बैलेंस। यानी यहां 200 है तो यहां भी 200 होना पड़ेगा। यहां 100 प्लस 100 है, 100 एक्सपेंडिचर रेवेन्यू वाला, 100 कैपिटल वाला। यहां रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी हुई? 80। तो यहां पे इसको 200 करने के लिए हमें कैपिटल में कितनी रिसिप्ट करनी पड़ेगी? 120। तभी तो ये दोनों मिला के कितने होंगे? 200। तो रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से मुझे कैपिटल रिसिप्ट कितनी करनी पड़ी? 120। होनी कितनी चाहिए थी? 100 होनी चाहिए थी ना, बराबर होनी चाहिए थी, पर मुझे मजबूरन कितनी करनी पड़ी? 20। इसका मतलब मुझे 20 रुपए का एक्स्ट्रा क्या लेना पड़ गया? लोन लेना पड़ गया, या फिर कुछ चीजें बेचनी पड़ गई, या कुछ और करना पड़ गया, जिसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट अपनी चीजों को बेचना चालू कर दिया। क्यों बेचना चालू कर दिया? क्योंकि उसका खर्चा ज्यादा हो रहा है। खर्चा ज्यादा हो रहा है तो 100 रुपए की कैपिटल रिसिप्ट में काम नहीं चलेगा, उससे कितने की करनी पड़ेगी? 120 की, ताकि बजट बराबर हो जाए। समझ में आया? तो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। और इससे क्या क्या नुकसान होता है? पहला कि गवर्नमेंट अपनी डे टू डे एक्टिविटी में काम नहीं कर पा रही। सेकेंड, इसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा या डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कैपिटल रिसिप्ट को बढ़ाना पड़ेगा। और क्या नुकसान होगा? इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपनी चीजों को बेच रही है, सेविंग नहीं कर रही है। क्या कर रही है? डिसइन्वेस्टमेंट या फिर डिस सेविंग। क्या कर रही है गवर्नमेंट? डिस सेविंग। तो अगली बार गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने बजट में टैक्स को बढ़ाएगी। क्यों बढ़ा रही है गवर्नमेंट टैक्स? क्योंकि खर्चा ज्यादा हो रहा है और रिसिप्ट गवर्नमेंट के पास कम आ रही है। गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं आ रहा तो वो कहां से तुम्हें कुछ देगी? खर्चा हम चाहते हैं गवर्नमेंट सारी रोड़े सही कर दे, गवर्नमेंट सब कुछ बना दे, पर उस खर्चे के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा होना चाहिए। हम वो पैसा भर ही नहीं रहे, हम टैक्स चुका ही नहीं रहे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी टैक्स की रेट को बढ़ाएगी ना, और क्या कर सकती है? या फिर कैसे लोन लेगी? समझ में आया?
पहला डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखते हैं बाकी सेकेंड नंबर का फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का हमने फॉर्मूला क्या देख लिया, फिस्कल अभी पढ़ते हैं, पहले रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। तो जो क्वेश्चन आएगा उसमें दो चीज ढूंढनी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, रेवेन्यू रिसीव्ड का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीव्ड को माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सेकंड पर जो भी है फिस्कल डेफिसिट। अब क्या होता है फिस्कल डेफिसिट समझना है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत दिमाग वाली चीज है, समझोगे तो बहुत आराम से आंसर आएगा, नहीं समझोगे तो घूमते रह जाओगे फिस्कल डेफिसिट में। पहले ही समझा रहा हूं, देखो फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव है, तो वही टोटल अब रेवेन्यू या कैपिटल से लेना है नहीं, टोटल है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव। बट एक चीज हटानी है, कौन सी चीज हटानी है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स यानी कि लोन जितना लिया उसको हटा दो, लोन जितना लिया उसको हटा दो। ये समझो एक चीज को कि फिस्कल डेफिसिट कहीं ना कहीं बोरोइंग ही होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब कहीं ना कहीं बोरोइंग ही होता है। देखो समझो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100, कैपिटल एक्सपेंडिचर 100, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 200, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 200 माइनस टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट में रेवेन्यू कितनी है 80, कैपिटल रिसिप्ट कितनी है पता नहीं, पता नहीं कैपिटल रिसिप्ट कितनी है सी, तो कितना आ गया हमारा 120। ये क्या है फिस्कल डेफिसिट, समझो इस चीज को ध्यान से, पहले ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही गलती होती है। अब अगर इसको मैं भूल जाऊं, तो अभी मैंने देखा था कि एक्सपेंडिचर कितना है 200 या रिसिप्ट कितनी है 80, तो बराबर करने के लिए मुझे कैपिटल रिसिप्ट कितनी करनी पड़ेगी 120, ताकि ये कितना हो जाए 200। तो ये देखो फिस्कल डेफिसिट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों बराबर आए, जान समझे इस चीज को कि अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें कैपिटल रिसिप्ट नहीं गिवन, किसी भी क्वेश्चन में कैपिटल रिसिप्ट नहीं गिवन, तो फिस्कल डेफिसिट तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, बोरोइंग के बराबर। हमने अभी बताया है कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि मुझे कितना उधार लेना पड़ गया, मजबूरन मुझे कितना उधार लेना पड़ गया। तो अगर किसी क्वेश्चन में मुझे कैपिटल रिसिप्ट गिविन नहीं है, नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा यार, कुछ नहीं कर सकता। अगर कैपिटल रिसिप्ट गिविन नहीं है तो मैं यहां जीरो नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, अगर कैपिटल रिसिप्ट गिविन नहीं है तो मैं इसकी पैसा दूंगा, किसके पास आ गया बोरोइंग के पास। अगर मुझे बोरोइंग पता है कितनी है तो बोरोइंग किसके बराबर हो जाएगी फिस्कल डेफिसिट। एक और बार समझो इस चीज को, बहुत थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा इजी करते हैं। इन सच अ केस एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है 80-100, ये मान लो 40 है, देखे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 100 और 100 200 माइनस रेवेन्यू रिसिप 80 कैपिटल रिसिप 40, 200 माइनस 120 यानी कि 80, यानी कि अभी मेरा ये कितना हो रहा है 120 हो रहा है, तो मुझे कितना और बढ़ाना पड़ेगा 80 और बढ़ाना पड़ेगा ताकि मेरे एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट क्या हो जाए बराबर। तो मुझे कितने का नुकसान हुआ 80 का, यानी मैं 80 रुपए क्या करूंगा बोरोइंग के उठाऊंगा, समझ में आया। तो यानी कि बजट में जितना भी नुकसान हो रहा है वो सारा नुकसान मैंने कहां से उठा लिया बोरिंग से, यहां कितना आ रहा था 120 आ रहा था, जबकि एक्सपेंडिचर मेरा कितना जा रहा था 200, तो 80 रुपए में क्या कर दूंगा बोरो कर दूंगा। समझ में आ गया सिंपल सा कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब इन शॉर्ट क्या है बोरोइंग से। तो अगर क्वेश्चन में बोरोइंग मिल गया तो कहीं भी मत जाओ, कुछ मत देखो कि ये कितने हैं ये कितने हैं, बोरोइंग मिल गया तो डायरेक्ट बोरोइंग क्या हो गया फिस्कल डेफिसिट हो गया, और अगर बोरोइंग नहीं मिला तो हमें वही करना है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। समझ में आया बहुत अच्छे से कि अगर बोरोइंग है तो बोरोइंग फिस्कल डेफिसिट बराबर, अगर बोरोइंग नहीं है तो फॉर्मूला लगाना है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। बोरोइंग मिल जाए तो कुछ और देखना भी नहीं है, कहीं भी मत जाओ, फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया बोरोइंग के बराबर।
समझ में आया? अब देखो इससे नुकसान क्या, क्या क्या नुकसान होता है? जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा उतनी ज्यादा बोरिंग होगी, सीधी सी बात है। फिजिकल डेफिसिट और बोरिंग बराबर होती है, तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब बोरिंग। जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा हमारी गवर्नमेंट को उतना ज्यादा लोन लेना पड़ेगा, उतना ज्यादा लोन लेना पड़ेगा। और अगर मैं लोन ले रहा हूं तो लोन के साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, यानी अगले साल का कुछ पैसा तो अभी से इंटरेस्ट में चला गया, तो हमारी ग्रोथ क्या हो गई? कम हो गई। तो फिजिकल डेफिसिट से क्या होता है? हमारी ग्रोथ कम हो रही है, हम दूसरी कंट्री पे डिपेंड करते जा रहे हैं, क्यों हमें लोन लेना पड़ता है। ठीक है, अब समझो एक चीज, हम लोन दो तरीके से लेते हैं, बोरिंग दो तरीके से होती है, या तो किसी एक्सटर्नल सोर्स से, किसी बैंक से, वर्ल्ड बैंक से या किसी और से, या फिर एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। फिजिकल डेफिसिट दो तरीके से सीधा होता है, या तो लोन ले लो कहीं से, या फिर क्या करो डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने आरबीआई को बोला कि आप नोट छापो, आरबीआई को क्या बोला कि आप नोट छापो, इसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब समझो अगर आरबीआई नोट छापती है तो क्या होगा, मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, और ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, इससे क्या हो रहा है इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है एक्सेस ऑफ डेफिसिट डिमांड, कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा डिमांड होगी। पहले हम 70 रुपए महीना कमाते थे तो चीजें 1 रुपए में मिलती थी, आज हम 70,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो वही चीज 100 रुपए में या 1,000 रुपए में मिल रही है। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा महंगी। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी, यानी आरबीआई को नोट छापने को बोलेगी, तो क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो आज हो रहा है। लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, क्यों? क्योंकि नुकसान होता जा रहा है तो बोरो करना पड़ रहा है, बोरो की जगह आरबीआई क्या, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, आरबीआई को बोल रही है सर आप नोट छाप के दो, जब नोट छापे तो मार्केट में मनी बढ़ गई। समझ में आया? ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सेकेंड चीज हम डिपेंड होते जाएंगे, थर्ड फ्यूचर ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, फोर्थ क्या होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी। ठीक है, समझ गए चीज, तो ये है हमारा सेकेंड फिस्कल डेफिसिट, जिसका इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है, बोरिंग। थर्ड वाला देखते हैं, लास्ट टॉपिक, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बहुत ईजी, बहुत बिल्कुल ईजी चीज है समझना, इस चीज को बिल्कुल ईजी है, छोटी मोटी इतनी इतनी सी चीज है। क्या है प्राइमरी डेफिसिट, पहले फॉर्मूला दिखाता हूं फिर समझना। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब समझो क्या होता है ये, इसका यहां से कोई लेना देना नहीं, अगर फिस्कल डेफिसिट निकाल लिया ना तो प्राइमरी निकालने के लिए ऊपर नहीं घूमना। फिस्कल डेफिसिट का भी हमने मतलब देखा, क्या होता है मतलब, बोरोइंग, क्या मतलब होता है, बोरोइंग। अब समझो अगर मैंने इस साल लोन लिया है तो उसका ब्याज कब चुकाऊंगा, अगले साल, ब्याज कब चुकाऊंगा, अगले साल। समझ में आया, तो अगले साल कुछ पैसा तो पहले ही चला गया मेरा, किसमें, इंटरेस्ट पेमेंट में। अब समझो अभी हमने देखा फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, बोरोइंग, ये इंटरेस्ट पेमेंट है। इंटरेस्ट पेमेंट इस साल का तो नहीं होगा, पिछले साल वाले लोन का होगा ना, तो यानी कि ये जो पैसा है ये क्यों है, क्योंकि मैंने पिछली बार लोन लिया था, पिछली बार लोन लिया था। अब समझो मान लेते हैं इस साल मेरे को कितनी बोरिंग करनी पड़ी, 100 रुपए, कितनी करनी पड़ी, 100 रुपए, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, पिछली बार का इंटरेस्ट कितना लग रहा था, 30 रुपए, इसका मतलब ये कितना आया, 70। अभी 70 का मतलब क्या है कि एक्चुअल में इस साल नुकसान कितना हुआ है, सिर्फ 70 का हुआ है, ये 30 रुपए तो पिछली बार के नुकसान का ब्याज है, ये 30 रुपए पिछली बार के नुकसान का ब्याज है, इस साल का नहीं है ना। अगर मैं पिछली साल लोन लेता ही नहीं तो मुझे नुकसान कितना होता, सिर्फ 70 रुपए का होता, बाकी ये 100 रुपए क्यों, 30 रुपए एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि ये 30 रुपए क्या है, पिछली बार के लोन का इंटरेस्ट है।
समझ में आया क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट, कि एक्चुअल में इस साल कितना नुकसान हुआ, हमने क्या हटा दिया इसमें से, फिस्कल डेफिसिट में से, कि पिछली साल का कितना इंटरेस्ट चुकाना है। अब देखो ये समझ गए क्या होता है। अब एक चीज देखना, ये हुआ 100 और ये हुआ 0, इसका मतलब हमने बोरिंग की 100 और वो पूरे 100 रुपए कहां चले गए, पिछली बार के इंटरेस्ट पेमेंट, यानी प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया 0। 0 का मतलब इस साल मुझे नुकसान हुआ ही नहीं था, इस साल मुझे नुकसान हुआ ही नहीं था, इस साल मुझे जितना भी लोन लेना पड़ा वो सारा लोन क्यों लेना पड़ा, क्योंकि पिछली बार का इंटरेस्ट चुकाना था। बॉस इस बार तो बराबर है, समझ में आया। सो व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, कि एक्चुअल में इस बजट में कितना नुकसान हुआ है पिछले बार का ब्याज हटाने के बाद। और अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 आता है, 0 का मतलब पिछली साल का जितना भी ब्याज है वही सारा डूब ले गया, यानी कि इस साल जितनी भी बोरोइंग्स की वो सारी पिछले साल के ब्याज में चली गई, इस साल तो कुछ काम ही नहीं आया। समझ में आया व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। तो हमने बजट के तीनों डेफिसिट पढ़े, इसका जो न्यूमेरिकल आता है ना वो न्यूमेरिकल नहीं है, वो बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। क्या देंगे, देखो तुम्हें दे देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोरोइंग्स, इंटरेस्ट और रेवेन्यू रिसीव्स। ये मान लो ये दे दिया 100, ये दे दिया 80, ये दे दिया 60, ये दे दिया 90 और ये दे दिया 30, तीनों निकालने। तो पहला रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्स, 100 माइनस 80 20। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालते हैं, ढूंढो कि ये चारों चीजें हैं क्या, उससे पहले क्या ढूंढेंगे, बोरिंग्स है क्या, बोरिंग्स हैरी 90, तो फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया 90। थर्ड इंटरेस्ट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो 90 माइनस 30 60। ये चार नंबर का न्यूमेरिकल आता है, मैं फटाफट क्यों कराया, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं यार, सिर्फ फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लगाओ सबके लिए जाने के लिए, मैंने फॉर्मूला लगाया अंदर आया चार नंबर जेब के अंदर। अब ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज हमने बजट वाले चैप्टर के सारे डेफिसिट भरे, उसके न्यूमेरिकल था नहीं वो भी खत्म कर लिया। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। एट लास्ट गाइस, ये क्या है, ये मेरी बुक जो मैंने खुद ने लिखी है, दिस इज फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो अवेलेबल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हुएवर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दिस बुक, जिसको भी ये बुक खरीदनी हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर 769-00-41256, वापस 769-00-41256। विद द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स व्हाट्सएप पे या नॉर्मल कॉल के थ्रू आप कैसे ही मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी अवेलेबल है। एक चीज याद रखना, हर साल इस बुक में कुछ ना कुछ चेंज आता जाएगा, क्योंकि टॉपिक चेंज होंगे तो इस बुक में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। सो गाइस कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।